नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर मधुबनी जिले के मधेपुर से आ रही है, जहां कोसी दियारा क्षेत्र के करहारा में इन दिनों आयोजित 5 दिवसीय गोपाष्टमी मेला दंगल में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पड़ोसी देश नेपाल से पहलवान आकर अपना दमखम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा क्षेत्र अंतर्गत करहारा गांव में 5 दिवसीय गोपाष्टमी महोत्सव मेला का भव्य आयोजन किया गया है। मेला समिति के द्वारा इस अवसर पर दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दंगल प्रतियोगिता में स्थानीय पहलवानों के अलावा राजस्थान, हरियाणा और पड़ोसी देश नेपाल के पहलवानों द्वारा कुश्ती के दाव पेच का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। महिला पहलवानों की जोड़ी भी कुश्ती दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। बीते गुरुवार को देर शाम दंगल प्रतियोगिता देखने प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां दर्शकों को पहलवान खूब अपनी ताकत दिखा रहे थे। मौके पर स्थित विकास मिश्र, जीवच झा, हर्षपति झा, आनंद झा, बसंत मंडल, सिकंदर पासवान, अनिल मंडल, पंचायत के पूर्व मुखिया मिश्री लाल ठाकुर अन्य आयोजन को सफल बनाने में जुटे थे। मधेपुर से संतोष मंडल की रिपोर्ट। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम संदीप। कहाँ से आए हैं? राजस्थान। यहाँ का व्यवस्था कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, पर हम खाते हैं रोटी और यहाँ मिलते हैं चावल। अच्छा अच्छा, यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? दर्शक का कैसा यहाँ सपोर्ट है? दर्शक बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट भी अच्छा है। नाम है आपका? शहाबुद्दीन। कहाँ से है? देवरिया। पहलवान है आप? कितने दिन से कर रहे हैं? 10 साल। आपका जोड़ी लग गया? कितने देर में? कितने देर में? अभी होगा। ही मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।